IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशंस अब हमारे सामने निकल करके आ गए हैं, जहां पर कुछ टीम्स ने अपने रिटेंशंस के ऊपर जबरदस्त काम किया है, वहीं बहुत सारे टीम ऐसी भी हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ओवरपे कर दिया है। और एक एक करके जब सभी टीमों की हम ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। लेकिन आज की ये स्पेशल वीडियो हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों से रिलेटेड जो कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को सबसे ज्यादा मेगा बनाने वाले हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि 2008 के बाद 2024 में ये जो होने वाला है ना मेगा ऑक्शन, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग ऑक्शन होगा। तो देखो, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कैप्टन केएल राहुल को रिलीज कर दिया, श्रेयस अय्यर एक आईपीएल विनिंग कैप्टन अगले ही साल अपनी टीम से रिलीज हो गए हैं, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल से अलग हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जॉस बटलर को रिलीज कर दिया है राजस्थान रॉयल्स ने। ये कुछ ऐसे बड़े चौंकाने वाले फैसले हैं जिनके पीछे का रीजन क्या है, आई एम श्योर आप जरूर जानना चाहते होगे। तो देखो, सबसे पहला जो रिएक्शन आया लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर का अपने कैप्टन को रिलीज करने के बाद, वो ये था कि वी वॉन्टेड टू रिटेन प्लेयर विद द माइंडसेट टू विन हु वुड पुट द टीम विनिंग अबव देयर पर्सनल एस्पिरेशंस। यानी कि डायरेक्ट डिग यहां पर संजीव गोयनका साहब ने अपने कैप्टन केएल राहुल के ऊपर लिया है। मैं तो उसको इसी तरीके से देख रहा हूं, एंड आई थिंक दिस इज अ रियली बैड टेस्ट। आपने अगर किसी को रिलीज कर दिया है, आप नहीं उसकी परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से खुश थे, ठीक है, रिलीज कर दिया, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, बट इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना, इस तरीके से डिग लेना एक इंडियन प्लेयर के ऊपर जो कि इंडियन टीम को कैप्टन कर चुका है, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंस यहां पर सेट कर रहा है। और जो पिछले साल हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बाद, उसके बाद केएल राहुल एलएसजी में रुक जाते, इसके चांसेस बहुत ही कम थे। रिपोर्ट थी कि एलएसजी चाहती थी कि वो रुक जाए, बट केएल राहुल ने कहा कि नहीं भाई, हमारे रास्ते अब अलग होने वाले हैं। एंड रिपोर्टेडली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है केएल राहुल में। आई नो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केएल राहुल अगर ऑक्शन में आएंगे तो बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, कुछ 8-10 करोड़ के अंदर ही उनकी बोली निपट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मार्क माय वर्ड, केएल राहुल की बहुत ज्यादा डिमांड आपको मेगा ऑक्शन में दिखेगी। एंड आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स से हमें केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बारे में जब हम आगे वीडियोस लाएंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को भाई रिलीज कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि आईपीएल जीतने के अगले ही साल कोई कैप्टन रिलीज हो गया है। और श्रेयस अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में क्या हुआ, इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन क्रिक बज ने अब यहां पर रिपोर्ट किया है कि केकेआर एक्चुअली वॉन्टेड टू मेक श्रेयस अय्यर द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज बट इट वॉज नॉट टू बी। यानी कि देखो, केकेआर जब 2022 में श्रेयस अय्यर को लेकर के आई थी तो मामला पूरी तरीके से क्लियर था। आप एक इंडियन कप्तान चाहते थे, एक यंग कप्तान चाहते थे। उस समय श्रेयस अय्यर का जो करियर था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा करेंगे अपने इंटरनेशनल करियर में, और उसी हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स भी उनको फेस ऑफ द फ्रेंचाइज बनाना चाहता था, और यही उनका प्लान भी था। उस वक्त भी हमारा चैनल नया नया था और हमने डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, आप अगर उस समय की वीडियो जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो बट हुआ ये कि श्रेयस अय्यर और केकेआर की मैनेजमेंट के बीच में निगोशिएशन बन नहीं पाया। खबर है कि केकेआर चाहती थी कि भाई ठीक है, आप आ जाओ, 15-16 करोड़ हमसे ले लो, फर्स्ट रिटेंशन भी बाद में अपडेट आई कि आपने ऑफर किया था, बट श्रेयस अय्यर वहां पर मान नहीं रहे थे। अब तो रिपोर्ट्स ये निकल करके आई हैं कि 20-30 करोड़ इस तरीके से श्रेयस अय्यर ने डिमांड रखी थी केकेआर के सामने। अब देखो, श्रेयस ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, केकेआर ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, विच इज द राइट वे टू गो। सो हम इस बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे कि किसने कितना पैसा मांगा, कौन रुका कौन नहीं रुका, बट देखो केकेआर को क्रिटिसाइज करने से यहां पर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि केकेआर यार क्यों अपने आईपीएल विनिंग कैप्टन को हटा देगी एक इंडियन प्लेयर को जो कि एक 2 बार आईपीएल का फाइनल खेल चुका है अलग अलग फ्रेंचाइजेस से। सो आई थिंक कि पैसे को लेकर के या जो भी डील थी उसको लेकर के बात नहीं बन पाई है। ठीक है भाई, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब केकेआर का अगला कैप्टन कौन बनेगा, क्या वो ऋषभ पंत के पीछे जाएंगे, क्या जॉस बटलर के पीछे जाएंगे, क्या केएल राहुल के पीछे जाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। और उसके बाद ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के खबर ये आई कि ऋषभ पंत एंड जीएमआर ग्रुप जो कि इस साल रन करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को, डू नॉट अग्री ऑन फ्यू डिसीजंस रिगार्डिंग क्रिकेट, हेंस पंत रिलीज्ड फ्रॉम द स्क्वाड। ऐसा भी रिपोर्ट्स अब निकल करके आ रही हैं।
कि देखो सौरभ गांगुली को हटाना, उसके बाद हेमंत बदानी वेणुगोपाल राव को सपोर्ट स्टाफ में लेकर के आना, इसमें ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा लूप में लिया नहीं गया था जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद ये हुआ कि भाई अब हम आपको कप्तानी भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, तो ऋषभ पंत के बाद समझ में आ गई कि हम JSW के अंडर तो अच्छा चल रहा था बट GMR के अंडर अच्छा चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाला है। सो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मेरे को आप रिलीज़ कर दो, मेरे को जाने दो। अब क्या दोबारा दिल्ली कैपिटल्स उनके ऊपर बोली लगाएगी, ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि किस टर्म्स पे आप खत्म करते हो फ्रेंचाइजीज के साथ रिश्ते, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बट हाँ ये जरूर है कि ऋषभ पंत और GMR का जो ग्रुप था उनके ऊपर ठीक से उनकी अग्रीमेंट बहुत सारी चीजों पे नहीं हो रही थी क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि ऋषभ पंत को ऐसा बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया जा रहा था और जो कोचेस का अपॉइंटमेंट हुआ आई थिंक दैट सील्ड द डील फॉर पंत टू बी रिलीज। और उसके बाद लास्ट में राजस्थान रॉयल्स ने शिमरॉन हेजमायर को रिटेन कर लिया, जॉस बटलर को रिलीज कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। आई थिंक अगर किसी टीम ने सबसे खराब रिटेंशन किया है तो वो राजस्थान रॉयल्स है। एक तो ध्रुव जुरेल को उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर पे करके रखा हुआ है और उसके अलावा शिमरॉन हेजमायर को रिटेन करने का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बट शायद उनको लगता हो कि भाई फिनिशर है, हमने बहुत ज्यादा काम किया है इनके साथ, तो मिडिल ऑर्डर ही अच्छे जल्दी नहीं मिलते हैं, विकेट कीपर बहुत सारे ओपनर आने वाले हैं, उनको विकेट कीपर की ऐसा जरूरत भी नहीं है क्योंकि संजू सैमसन भी वहां पर हैं, जो अब तो जुरेल भी वहां पर हैं। सो उनको लगा होगा कि अगर कोई टॉप ऑर्डर बैशर हमें मिल जाए, भले ही कीपिंग ना करता हो, वैसे भी बटलर कीपिंग नहीं करते राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो हम उनको ले सकते हैं, जैसे फिल सॉल्ट हो गए, विल जैक्स हो गए, इवन बेन डकेट हो गए या कोई मैगर्क हो गए, बहुत सारे प्लेयर आने वाले हैं, छोटे बड़े नए प्लेयर। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी है राजस्थान रॉयल्स की। राहुल द्रविड़ तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयरों को लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो चहल हो, चाहे वो आपके ट्रेंट बोल्ट हो या फिर जॉस बटलर, बट आपके पास बजट ही नहीं है तो कहाँ से आप इतने सारे प्लेयर लेकर क्या हो गए। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स का ये एक्स प्लेयर आपको इस साल किसी टीम की कैप्टेंसी करते हुए जरूर दिखाई देगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फिट बैठती है जॉस बटलर पर। देखो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये दिल्ली पंजाब CSK इधर आपको इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे। KKR और RCB बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगी मेरे हिसाब से जॉस बटलर में। आई थिंक KKR को इंटरेस्ट होना चाहिए जॉस बटलर में। अब देखना होगा कि ऑप्शन में इसका नतीजा क्या निकल करके आता है। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है इन चार बड़ी रिलीज के ऊपर, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। आई होप इन बड़े प्लेयरों के रिलीज क्यों रिलीज हुए आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द बहुत ही मजेदार सीरीज चैनल पर आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।